हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज एंड्रॉइड ट्यूटोरियल की सीरीज़ में मैं एक नए वीडियो के साथ आपके पास आया हूं और वो जो आज टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ग्लाइड डिपेंडेंसी का डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियोस में अभी तक हमने कवर किया था कि रिसाइकल व्यू में कैसे हमें डेटा डिस्प्ले करना है, कैसे सर्च करना है। बट अब जब हम जो नेक्स्ट प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि वो हमें लाइव सर्वर से डेटा किस तरह डिस्प्ले करने हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में। किसी वेबसाइट से डेटा पिक करके हमें अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में दिखाना है, किसी एपीआई के थ्रू दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे अपने एप्लीकेशंस में दिखाना है, उस स्टेप की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो उस स्टेप की ओर, उस डायरेक्शन में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं काम, तो सबसे पहला जो टॉपिक है कि किस तरह से यूआरएल के थ्रू हमें इमेज को डिस्प्ले करना है। क्या है कि जब हम लाइव सर्वर से डेटा पिक करते हैं तो क्या हम पूरा इमेज को वहां से उठाते नहीं है, हम सिर्फ इमेज यूआरएल वहां से पिक करते हैं। उसके बाद उस इमेज यूआरएल के थ्रू उस इमेज को हमें अपने इमेज व्यू में दिखाना है। तो यहां पे अब आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला तो आप क्या कीजिए, कोड कीजिए, मैनुअल कोड कीजिए। दूसरा कि आप किसी डिपेंडेंसी का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना, तो हम यूज करेंगे ग्लाइड डिपेंडेंसी का। ये एक बहुत इजी और यूजफुल डिपेंडेंसी है, बस इसका यूज किस तरह करना है वो मैं आपको इसमें यहाँ दिखाऊँ। एक छोटा सा डेमो मैंने बना रखा है जहाँ पे ये जो इमेज है ये मैं फ्लिपकार्ट से उठा रहा हूँ। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम अभी किसी भी साइट से डेटा या इमेज, बेसिकली इमेज हम किस तरह से पिक करेंगे। तो जो आने वाला वीडियोस होगा ना, उसमें जब हम डेटा जेसन से उठाएंगे तो वहाँ पे जो इमेज होगा वहाँ पे हमें इमेज का यूआरएल मिलेगा। तो अपने को क्या फिर उस समय ये यही ग्लाइड डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करके उस यूआरएल के थ्रू हम अपने जो एप्लीकेशंस हैं उसमें उस इमेज को इमेज व्यू के अंदर दिखा देंगे। तो उस स्टेप की ओर आगे बढ़ने से पहले, तो सबसे पहले मेरा जो टारगेट था कि हम पहले इस इमेज वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरह से फिर डेटा जो है, बाकी जो डेटा है उस तरह उसे एपीआई के थ्रू किस तरह उठाया जाए, किस तरह जेसन से डेटा हम अपने एप्लीकेशन पे दिखाएंगे। ये धीरे धीरे इस पूरे वीडियो में, इस सीरीज में हम कवर करेंगे और ये सारा इस रिसाइकल व्यू में ही आएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट डेटा हम उठाएंगे उसे हम रिसाइकल व्यू में ही दिखाएंगे विद द लाइव सर्वर डेटा। ठीक है ना, विद द इमेज। तो पहले, सबसे पहले हमने इमेज का प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो इस इमेज को पहले किस तरह दिखाते हैं, तो ये जो इमेज है एक फ्लिपकार्ट से आ रहा है, देखिए ये इमेज फ्लिपकार्ट से आ रहा है, लाइव है ये, और ये मैंने एक छोटा सा डिजाइन किया है इसे लीनियर लेआउट में, ये सारी चीजें स्टैटिक है। एक छोटा सा, अगर आप मान लो ई कॉमर्स ऐप भी बना रहे हो तो उस केस में भी आपको इमेज जो है वो लाइव सर्वर से उठाना थ्रू अ यूआरएल, वहां पे आपको ड्राइवल में कोई भी इमेजेस नहीं रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे हम बंद करते हैं, इस एप्लीकेशन को हम बंद करते हैं और फ्रेश एक नया एप्लीकेशन लेते हैं, न्यू में जाते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट हम लेते हैं। इसे पहले हम क्या करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी लेते हैं, नेक्स्ट एंड देन ग्लाइड डेमो ऐप, ओके फिनिश। तो सबसे पहले जो हमें ये काम करना है कि उस डिपेंडेंसी को अपने जो डिपेंडेंसी ग्रेडल फाइल है उसमें जाके हमें ऐड कर लेना और प्रोजेक्ट को सिंक कर लेना है। ठीक है ना, जो हम हमेशा हर डिपेंडेंसी में करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है। चलिए, तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, रेडी हो गया। अभी हमें करना क्या है, हमें जाना है ग्रेडल फाइल में, यहाँ पर डिपेंडेंसी में, और एक डिपेंडेंसी को हमें ऐड कर लेना है। ठीक है, तो क्या है वो इम्प्लीमेंटेशन, चलिए हम जो ऐड करेंगे वो होगा com.github.pomptech.glide, ओके कोलोन अगेन ग्लाइड देन 3.7.0, ये वर्जन आपको ध्यान रखना है। तो क्या हमने लिखा, com.github.pomptech.glide:glide, ठीक है, :3.7.0, ये वर्जन मेक श्योर करें कि आप यही वर्जन यूज करें। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को सिंक करना है,
फिर समथिंग इज मिसिंग। चलिए तो इसे वापस से हम ट्राई अगेन करते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग कुछ मिस्टेक थी, मे बी मिसिंग द ग्रिडल प्लगइन। कॉम डॉट गिटहब डॉट बॉम्बटेक डॉट ग्लाइड। ओके तो ये हमने क्या किया, इसे सिंक कर लिया और इट इज ऑलरेडी रनिंग। इसके स्मॉल सा प्रॉब्लम था स्पेलिंग का, वो हमने ठीक कर लिया। चलिए तो अभी क्या करते हैं, छोटा सा डिज़ाइन करते हैं हम अपने एक्सएमएल में, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था उधर पहले प्रोजेक्ट, उसके हिसाब से हम एक छोटा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो अपने डिज़ाइन में क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को चेंज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ सबसे पहले जो ये कॉन्स्टेंट लेआउट है ना, इसे हम लीनियर लेआउट कर लेते हैं। देखिए लीनियर लेआउट कर लिया हमने। मैच पैरेंट जो है इसे रहने देते हैं। ओरिएंटेशन जो है हम इसे वर्टिकल कर लेते हैं और अंदर का कुछ डिज़ाइन हम चेंज कर देते हैं। ये हमने एक अच्छा सा डिज़ाइन किया है। अब हमें कुछ इमेजेस लगेंगे, जैसे ये एक रेटिंग का इमेज है। इसे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं अपने ड्राइबल फोल्डर के अंदर डाल लेता हूँ। चलो तो यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया। ओके उसके बाद एक और इमेज लगेगा कार्ट का। चलिए इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसे भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ड्राइबल फोल्डर के अंदर। डन। देखिए ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आप डिज़ाइन में आके देख लीजिए कि डिज़ाइन किस इस तरह से कुछ ये सारा डिज़ाइन हमें दिखेगा, है ना। यहाँ हमने क्या लिया, एक इमेज व्यू लिया है। उस इमेज व्यू को हम क्या करेंगे, रन टाइम में किसी यूआरएल से इमेज वहाँ हम फेच करेंगे। मेन एक्टिविटी में आते हैं, सिंपली क्या करते हैं, इमेज व्यू img। ओके उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू t1। अब इसकी हम कास्टिंग कर लेते हैं सिंपल सी। तो यहाँ पे img लिया हमने, img find view by id r.id. और यहाँ हमने क्या लिया है, p इमेज लिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद t1 इक्वल टू, फिर यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, टेक्स्ट व्यू फाइंड वी वाई आई डी r.id. यहाँ हमने क्या लेके रखा है, t1। ओके चलिए देख लीजिए वापस से मैं आपको एक XML में आता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन ये आप देख लो, किया क्या मैंने, सिंपल एक लीनियर लेआउट लिया है, उसका ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल किया। सबसे पहले इमेज व्यू लिया है, उसका जो विथ है मैच पैरेंट की और हाइट है 300 dp दे दिया। उसकी आईडी हमने पी इमेज रख ली। उसके नीचे हमने उसका हेडर दिखाना है, तो हमने रैप कंटेंट रैप टेम कर दिया है। आईडी जो t1 दे दिया, लेफ्ट से मार्जिन 5 dp, टॉप से मार्जिन 5 dp। टेक्स्ट अभी फिलहाल के लिए डमी टेक्स्ट रखा है, बाद में इसे रिप्लेस कर देंगे प्रोडक्ट के नेम से। टेक्स्ट कलर बिल्कुल ब्लैक कर दिया है, टेक्स्ट साइज 25 dp और टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड कर दिया। ये एक लीनियर लेआउट मेरा खत्म। अब एक फ्रेश लीनियर लेआउट लेते हैं, उसके भी ओरिएंटेशन हम हॉरिजेंटल करते हैं, जो ये टॉप से 10 dp लेगा स्पेस। उसके बाद टेक्स्ट व्यू रखते हैं, जहाँ पे हमने सिंपली क्या लिख रखा है, फिक्स्ड रेटिंग, और उसकी इमेज बगल में हमने एक स्टैटिक रेटिंग का इमेज दे रखा है, ठीक है। ये लीनियर लेआउट खत्म। उसके बाद जो मेन पैरेंटल लीनियर लेआउट था, उसमें हमने एक इमेज व्यू दे रखा है कार्ट का, जिसका स्टैटिक इमेज है कार्ट। तो ये डिज़ाइन का आउटपुट है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा आपको। अब बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्लिपकार्ट का एक प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है विद दी हेल्प ऑफ आवर ग्लाइड डिपेंडेंसी। यहाँ आते हैं, अब दो एक रेफरेंसिंग के लिए हमने इमेज भी और टेक्स्ट भी ले लिया और उनका यहाँ रेफरेंसेस या कास्टिंग भी कर दिया। अभी बेसिकली इस्तेमाल करना है ग्लाइड को। तो ग्लाइड जैसे हम अपना डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे, तो ये जो ग्लाइड है ये ऑटोमेटिक कहाँ चलाएगा, यहाँ। चलिए देखिए ग्लाइड यहाँ पे आ गया। अब सिंपल करना क्या है, ग्लाइड डॉट विथ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करना है। तो करंट कॉन्टेक्स्ट लेंगे तो हम दिस ही ले लेंगे। उसके बाद लोड URL, उस इमेज का URL आपको देना है जिसे आप जिस उस प्रोडक्ट का उस इमेज का आपको यहाँ पे URL देना है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं डायरेक्टली एक इमेज फ्लिपकार्ट से उठा लेता हूँ। जब हम JSON पे काम करेंगे तो JSON में हमारे पास ऑलरेडी URL रहेगा, जो हम वहाँ से फेच किए रहेंगे, किसी लाइव साइट से या किसी API से हम फेच किए रहेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग हम क्या करते हैं, एक फ्लिपकार्ट का साइट है, चलिए इस प्रोडक्ट का हमने डिटेल पेज खोल रखा है। तो यहाँ पे इस पाथ, ये जो इमेज का पाथ है, इस इमेज के पाथ को हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डाल दिया हमने डॉट, किसके अंदर भाई, इनटू इमेज भी। कौन सा इमेज, जो अभी हमने यहाँ पे
कास्टिंग की है जिसकी हमने जस्ट इस इमेज के अंदर ये दिखेगा। तो देखिए है ना, उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है, ये जो टाइटल है उसे भी हम यहाँ यूज कर लेते हैं। अब ये जो T1 हमने दिया था वो T1.setText, इसके अंदर हम डाल देते हैं उसका टाइटल, ठीक है ना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप क्योंकि ये इंटरनेट यूज कर रहा है तो आपको आपके XML फाइल में जाके क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट परमिशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे इंटरनेट परमिशन भी ले लिया, बस कुछ नहीं किया, इमेज व्यू लिया, ग्लाइड बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है, बट ये हमारा मेन टारगेट नहीं है। ये जो हमारा एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि जो इसके आने वाले वीडियोस में हमारा जो मेन टारगेट होगा वो है जेसन की हेल्प से किसी भी लाइव सर्वर से हम डेटा किस तरह उठाएं। तो जिसके हेल्प से बाद में अगर आप जब प्रोजेक्ट करोगे, सपोज इसके बाद फिर हम एक न्यूज़ प्रोजेक्ट बनाने वाले या फिर एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उस केसेस में हम इमेजेस को किस तरह उठाएंगे या वहां से किस तरह से प्रोडक्ट डेटा उठा के हमें उसे अपने रिसाइकल व्यू में दिखाना है, तो उस समय तो हम सिर्फ इमेज नहीं पिक करेंगे, उस समय हम एंटायर डेटा पिक करेंगे, तो हमारा डेटा रहेगा उसमें इमेजेस रहेंगे, तो उस समय फिर उस इमेजेस को दिखाने के लिए हम ग्लाइड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अगर हम यही डिपेंडेंसी नहीं इस्तेमाल करते तो ये कोड काफी बड़ा और काफी लेंदी हो जाता है, और वही अगर हम डिपेंडेंसी इस्तेमाल करते हैं तो चीजें बहुत छोटी और बहुत आसान हो जाती हैं। तो हमें कोड के एफिशिएंट को बचाना है, कोडिंग एफिशिएंट को बचाना है और इस डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करना है। चलिए तभी प्रोजेक्ट को रन करके हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। इसे हमने रन कर दिया है ऑलरेडी, ओके इट्स रनिंग, इंस्टॉल हो रहा है हमारा ऐप। देखिए ये कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। चलिए ऊपर का ये जो दिख रहा है ग्लाइड डेमो, इसे हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे हम सेट टाइटल लगा देते हैं, सेट टाइटल ग्लाइड डेमोन्स्ट्रेशन, ओके। और उसके बाद आप वैल्यू में आइए, कलर डॉट एक्सएमएल में जाइए, जो प्राइमरी कलर है इस प्राइमरी कलर को हम चेंज करके ये वाली कलर ले लेते हैं, ठीक है ना, सेव हो गई। उसके बाद हम प्रोजेक्ट को दोबारा रन करते हैं, अभी वही प्रोजेक्ट का लुक देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। देखिए इंस्टॉल हो रहा है हमारा एपीके, या इट्स रनिंग। देखिए कितना खूबसूरत सा ये डिजाइन बना है। तो ये बहुत, पहली बात तो ये बहुत स्पीड में इमेज को लोड भी लिया, ठीक है, और दूसरी बात कि हमारा कोड बहुत छोटा हो गया, बहुत कम हो गया। तो इस तरह से जब हम एक ई कॉमर्स ऐप बनाएंगे या जब हम कोई न्यूज ऐप बनाएंगे या कोई भी इमेज जब आप बनाओगे, और क्योंकि बेसिकली जब आप ऐप एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपका डेटा जो है वो रियल टाइम डेटा को फेच करेगा या किसी लाइव सर्वर से डेटा फेच करेगा, उस केसेस में आपके पास कंटेंट के साथ साथ टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी होंगे। तो इमेज, उस इमेजेस को इसी डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करके बहुत इजी तरीके से हम अपने कहीं पे भी, या तो किसी डिटेल व्यू में या किसी रिसाइकल व्यू में, आप कहीं पे भी उसे दिखा सकते हो बहुत आसानी से। तो ये जो वीडियो था सिर्फ इसी के ऊपर था। अब आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे किस तरह से हम किसी लाइव सर्वर से विद द हेल्प ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स एंड अदर थिंग्स किस तरह से डेटा उठाएंगे, वाली लाइब्रेरी से किस तरह डेटा उठाएंगे। उस केसेस में जब हम इमेज का यूज करेंगे तो हमें वहां पे इसी ग्लाइड लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हम वापस इमेजेस को स्वास्थ्य से पिक कर लेंगे। तो ये इसी टॉपिक के ऊपर था, आगे और भी वीडियोस हम बनाएंगे जहां पे हम वॉली लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे और डेटा जेसन के डेटा को किस तरह हम रिसाइकल व्यू में दिखाएंगे, और वहां पे इस ग्लाइड का भी डेमोंस्ट्रेशन वापस से यूज करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आने वाली वीडियोस के साथ कंटिन्यू बने रखने चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए।